तो गाइस मैं जा रही हूँ भरतपुर, एक मेरे को ऐड करना है तो वहाँ पे, और वहाँ पे मेरे पास में मेरी मौसी रहती हैं, दीदी रहती हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो तुमने साड़ी की शॉपिंग करी है ना, वहाँ से साड़ी ले आना, कुछ साड़ी और लहंगे ले आना, भाभी वगैरह सब लोग लेंगे, तो मेरा ऐड भी हो जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा, और मैं ये सब भी उनको ले आऊँगी और मेरी भी सेल निकल आएगी। तो अभी हम जा रहे हैं तो उसी चीज़ के लिए पैक कर रहे हैं, भाभी वगैरह के लिए साड़ी। तो बोल रही थी सारी रेंज में जैसी जैसी साड़ियाँ आप लोग ले आना, तो मैं और मम्मी बस पैक कर रहे हैं, इस ट्रॉली बैग में लेके जा रही हूँ क्योंकि साड़ी ख़राब भी नहीं होंगी, किट में भी मैंने पैक कर दी है। तो अभी हम पैकिंग कर लेते हैं और फिर हमें नहा धो के निकलना भी है, अभी खाना भी बनाना है, सारा कुछ काम करना है। अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो, लोगों को पता चल रहा है कि साड़ी में कलेक्शन अच्छा है, सारा चीज़ ऑनलाइन भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और ऑफलाइन भी बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि जो मेरे रिलेटिव हैं कि हमारे लिए आना, हमें 4 साड़ी चाहिए, किसी को 6 साड़ी चाहिए, तो बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो मैं वही पैक करके रेट डाल डाल के लेके जा रही हूँ। तो अभी पैक कर लेकर चलते हैं। ओके तो गाइस अभी हम आ गए हैं। नमस्ते भाभी। नमस्ते, कैसी हो? अच्छे। और मैंने कही थी मौसी बना रही हैं कढ़ी मेरे लिए। मौसी नमस्ते। मौसी नमस्ते। नमस्ते भैया। गाइस ये देखो हमारी, और एक और भाभी कहाँ गई, छोटी भाभी। नमस्ते। और कैसी हो? बढ़िया। तुम बढ़िया? मैं बढ़िया। आई छोटी, ये शर्माए जा रही है, मेरे को देख रहा है, तब से ही शर्मा रही है। परी खुश हो गई। परी परी ने बस आरू आरू एक वीडियो में देखा था, अब रियल में देख रही है। परी बाय करते हैं। हाय हाय कर हाय। और भैया कैसे हो आप? बढ़िया। हमें भैया बहुत मल्टी टैलेंटेड है, अब पता है एक वो ख़राब हो गई है दूध चलाने वाली, तो पता है उसे सही कर रहे हैं। कोई ये भी करवानी हो ना तो हमें भैया कांटेक्ट करो और भैया सही कर देंगे, भैया सब कर लेते हैं। नहीं अब नहीं रखती, भाभी पहले रखती थी। एक आठ तो होगा मेरे निकाल दो, मेरे बहुत बड़े हैं, मेरे निकाल दो। तेरी बात तो आगे नहीं। तो गाइज यहाँ पे मैंने पूरा ये सेटअप लगा दिया है, और मतलब काफ़ी लोगों ने बोला था, पहले मौसी मंगा रही थी, मौसी और भाभी, फिर काफ़ी लोगों ने बोला कि हमारे लिए भी ले आना, तुम काफ़ी सारा कलेक्शन ले आए, जिसको जो पसंद आएगा, गाड़ी से तो आए थे, तो हमने सारा यहाँ पे रख लिया। अभी सब लोग काम से फ्री हो रहे हैं, यहाँ पे कड़ी बन जाएगी, ये देखो यहाँ पे कड़ी बन जाएगी, खाना वाना से फ्री हो जाएगी। कड़ी बना रही बहुत बढ़िया, पकौड़े वाली, पकौड़े वाली। मौसी बहुत अच्छी बनाती है। हाय एवरीवन, हेलो फ्रेंड। मौसी वैसे बनने देसी ठर्रा। अरे नहीं बहुत अच्छी है मौसी। और पता है मतलब कुछ भी, कोई प्रोग्राम हो कुछ भी हो, मेरे को मौसी सबसे अच्छी लगती है, मतलब सारी मौसी अच्छी है वैसे तो हमारी, पर ये वाली सबसे ज्यादा फनी है। मैं कहती हूँ मेरी मौसी तो माँ जी, मौसी के मेरी भैंस दूध ना देवे, मैं कि कहूँ भैंसे दूर रख दे करो तुम आ जाया करो। फिर मैं अभी तुरंत पूछ रही थी आते मैं कि मौसी तुम मेरे साथ चली हो, तो बोलती बेटा मैं तो भैंस दूध देवे, तो पता है अभी जे करके आई हूँ, अभी वो करके आई हूँ, मौसी मैं नहीं रहूंगी ना, मैं तुम्हारी भैंस आओ कंडा था पाऊंगी, मैं सब चीज कराऊंगी मैं। मम्मी मतलब दूध काढ़ कर ही तुम वीडियो बना करेंगे। हाँ और का सही है, मैं काम भी करवा दूंगी। मौसी के अंगूठा लग गई है, मदद करिए करिए कुछ। का है मौसी? तस लगे तो दरिया को सूज तो रहो। अभी हां जी पूरा सूज रहो जेरी हड्डी के यही होते रोई बैठे हो ना। अब या पे बैठे ना, थोड़ा सा लगे कुछ चावल बना रहे। बच्चो आ जाओ, चलो चिज्जी लेने चल रहे हैं, आ जाओ चलो 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 चिज्जी लेने चल रहे हैं, चलो चले परी। तो आप ये यही रख दो ना, लेके क्यों घूम रही हो आप इनको? नहीं नहीं मना नहीं कर रहा है, पर अभी हम जा रहे हैं ना बच्चों को लेके, सबको लेके चिज्जी लेने जा रहे हैं, रख दो इनको। नहीं रखोगी? ऐसे जाओगी? आपने भेड़ देखी? कहाँ है भेड़? मेरे को दिखा के लाओगी? क्या है वहाँ पे? वो चोरी थी। कहाँ पे है दिखाना मेरे को? दिखा। दिखाओगी? किधर आऊँ? इधर इधर यही से दिख रही है। तो
तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बच्चों के लिए चीज़ें लेने के लिए, क्योंकि हम लोग सुबह आए थे तो सुबह के दुकानें वगैरह मिली नहीं थी, एक स्वीट की शॉप मिली थी बस, तो हम स्वीट वगैरह ले आए थे। देखो आरो धीरे धीरे, आरो रुको, पहले साथ में चलो, इधर आओ साथ में चलो, ऐसे नहीं साथ में चलो। नमस्ते भैया, आज क्या लेना है आपको? ले लो आपको क्या लेना है? आयरू ले लो, क्या लेना है, क्या चाहिए आपको? पानी वाली है कि वैसी है, ऐसी वाली पता है? ये वाली मैं बचपन में बहुत खेलती थी, इसमें एक लड़ी आती है, तीली लगानी है माचिस की, ऐसे वो आती थी, मतलब उस वो मतलब गोल गोल आती थी रेड कलर की, हम ऐसे खेलते रहते थे दिन भर बच्चों के साथ। पर इसको ही सिंपल ही दे दो, ऐसे ही दे दो, माचिस माचिस नहीं। ये बताओ कौन सी चाहिए, वाली वाली, ये भी ऐसे रहेगी, ये नहीं चल पाएगी आपसे, वाली ले लो, ले लो। पर ये आपको कौन सी चाहिए, आप भी ऐसी ले लो, ये वाली। ये लो परी, कमेगा। और ये उनके उनका बेटा भी बड़ा है ना, क्या नाम है, अनिल भैया का, ये उसके लिए लेते हैं। और खाने के लिए लो। तो अभी हमने बच्चों के लिए स्नैक्स ले लिए हैं और बलून ले लिए हैं। क्या खोल रहे हैं, एक सेकंड, मैं तो साइड हो जाती हूँ। आप भेड़ से मिली थी ना, देखो साइड में चलो, साइड में आरू साइड में चलो, ये पीछे से आवाज आ रही है, जल्दी भागो आरू, आरू धीरे से गिर जाओगी, आरू रुको तो सही। गाइस ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई मेला देख के आए हों, पहले हम छोटे छोटे जाते थे ना मेला देखने के लिए। आपके लिए चॉकलेट और कुरकुरे उसमें रखेंगे, ठीक है? गाइस अभी हम जा रहे हैं छोटी मौसी के यहाँ पे, पहले हम रुके थे बड़ी मौसी के यहाँ, तो हमारी छोटी मौसी हैं जो हमें नानी के यहाँ मिली थी। राम राम, हाँ अच्छे हैं, अच्छी हैं, आ जाओ आ जाओ आरू। राम राम, अजी कहाँ है? अजी नहीं है साहब। अजी कहाँ बन रहा है? अजी पोता लगा रही है। अरे मौसी पोता लगा रही है, खाना पीना बन गो, खाना पीना बन गो, पोता लगा रही हूँ और बात कर रही हूँ, और बात कर रही हूँ सपना के और बात जैन के। पूजा दीदी कान पे लगी हुई है, पूजा कान में बैठी है। मामा, मामा, अरे बिट्टू ओ कौन देख रहे, अरे तैयारी तो कर दे, तैयारी के लिए बहुत टेस्ट मिल रहा है। ओरे मनो खत्म करेगी ओ बहन, ध्यान से खत्म करो। हेलो, बहुत ज्यादा व्यस्त है, पेटोर की सब्जी खा रहे हैं। थोड़ा प्यारी कर रहे, हम बहुत व्यस्त हैं, हम प्यार कर रहे हैं और हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं। और जी जी तू रह गई, हाँ गाइस मेरा आ गया है खाना और कद्दू की सब्जी बनी है और मम्मी मौसी पी रही है यहाँ पे चाय, पानी के हाथ की रोटी, पानी के हाथ की रोटी, हमारी मौसी रोटी बहुत अच्छी बनाती है। हाँ चाय, चाय मस्त बनी है, मम्मी सही में दिख रही है, चटपटी बहुत अच्छी बना दी मौसी सब्जी। चूरमा मैं नहीं खा रही, चूरमा मैं खाती हूँ, मैं ना खा रही। मैं बताओ किधर आऊँ, बताओ कहाँ रही, क्या है ये? भेड़ है बेटा, ये कितनी प्यारी है ना,
वो वाली मारेंगी बड़ी वाली। मम्मा उनको टैग करके तो देखो। मैं देख रही हूँ ना बेटू, ये देख। हाँ कुरकुरे खिला रही है उसको। कुरकुरे नहीं खाती बेटू वो। हाँ? अरे खा रही है। अरे वो खिला रही है ना, खिला दे। आ जाओ अब धूप पड़ रही है, आ जाओ अंदर चलो। अरे चलो जल्दी। क्यों आ जाओ, शाम को खिला देना। चलो जल्दी चलो, आ जाओ आरोही। और कलर ना है, चार कलर है इसमें से। मैं पता नहीं 15-20 लाई थी, पूरी चली गई, चार बच गई बस। देखो ये रेड कलर कितना प्यारा, कितने कितने की? 1400 की। बहुत कम है ये साड़ी, तुम शोरूम से जाके लो तो तुम्हें 2000 में, क्योंकि आजकल क्या है चमक धमक पे कम क्वालिटी पे जा रही है, मतलब ये कपड़ा अच्छा होना चाहिए बस। पहनोगी ना तो अलग ही दिखेगी, कपड़ा लेंगे वाली साड़ी बहुत ज्यादा प्यारी है, ये भी नहीं मिलेगी। एक मैंने ली है, अभी एक प्रोग्राम था बाहर जाना था मुझे, तो वहाँ के लिए सिलवाई है। नरम में बोली नहीं है वो, एक होती ना कड़क कड़क सी, वो नहीं। कितने की? ये 1700 की बस। और एक ये नहीं की फिनिशिंग से देखो, वर्क देखो, ये ब्लाउज देखो कितना प्यारा ब्लाउज है इसका। इसमें आपको ब्लाउज खुला हुआ मिलेगा, इनकी है। सिर्फ 1200 रुपये की साड़ी है, एक वाली साड़ी की बहुत डिमांड रहेगी सब लोग। साड़ी है ना मम्मी जयदी पे गई, मेरे लग 1500। कपड़ा देखो तुम एक बार, ये साड़ी 1500 से गई मेरे घर जयदी की रंग है, पहनूंगी ना तो पता भी नहीं। और जो इनमें एक कॉपी भी आती है वो कम में है, वो कपड़ा सही नहीं, वो खड़खड़ खड़खड़ फैब्रिक की क्वालिटी है। देखो एक और चीज दिखाऊं जो राजस्थान में बहुत ज्यादा चल रही है। मम्मी तुम आ रही हो ये सही है। इसका वो ब्लाउज देखो कितना प्यारा है, मेरा हैवी ब्लाउज है। कलर ऐसा है,
ये सिर्फ 2,500 का है, ये सिला नहीं है, लटकन नहीं है उसका, पर कितना है बस प्राइस आंटी को ये वाली साड़ी भी पसंद आ गई, वाइन कलर की, तो ये वाली साड़ी भी ले ली आंटी ने, ग्रीन ले ली है और एक और ले ली है। सो गाइस अभी मैं घर पे आ गई हूं, और आई होप आपको ये वाला